आइए, आपका स्वागत है। सफलता के दो रहस्य के बारे में आज बातचीत करते हैं। मेरा नाम है डॉक्टर दीपक केळकर। मैं मनोविकार, सेक्स रोग, सम्मोहन तथा व्यसन मुक्ति तज्ञ हूँ। महाराष्ट्र में अकोला में प्रैक्टिस करता हूँ। काफ़ी लोग बोलते हैं हमको सफलता चाहिए, बहुत पैसे कमाने का है, बिजनेस बहुत बड़ा करने का है, ये चाहिए वो चाहिए। मैं बोलता हूँ कि जो आपको चाहिए वो आपको कभी नहीं मिलता। जो आपको चाहिए उसके लिए आप कितने कमिटेड हो, जो आपको चाहिए ही चाहिए, मतलब आपको उसके से चलेगा ही नहीं, आप उसके लिए बहुत भूखे हो, बहुत हंगर है आपको, और उसके लिए आप कुछ भी करने को तैयार है, तैयार हो, तो वो आपको मिलेगा। जो आपको चाहिए ही चाहिए, बहुत ही कमिटेड है, उसके पीछे आप जाओगे नहीं, उसका पीछा नहीं करोगे, दिन को रात को जब चाहे तब आप उसके बारे में सोचेंगे नहीं, तो वो मिलेगा नहीं। तो आपको जब चाहिए कुछ चीज़, तो आपने वो डिसाइड करना है। आप जब डिसाइड करते हो कि नहीं मुझे ये चाहिए ही चाहिए, उसके ऊपर आपका फोकस है, आप कमिटेड है, आप वचनबद्ध है, और फिर आप उसके ऊपर फोकस करते हो, फोकस करके पूरी ताकत उसके पीछे लगाते हो, मैसिव एक्शन लेते हो, तो आपको सफलता मिलेगी। तो जो आपको चाहिए उसके पीछे भागना पड़ेगा, दौड़ना पड़ेगा, भूख उसकी लगनी पड़ेगी, उसके लिए वचनबद्ध होना पड़ेगा, तो जो आपको चाहिए वो मिलेगा ही मिलेगा। दूसरा जो रहस्य है वो ये है कि आपको नो से कभी डरने का नहीं है। हम नो से बहुत डरते हैं। जो लोग भी सफल हुए वो कभी नो से डरे नहीं है। नो मतलब दो तरह का नो, कि जब आप लोगों को जब कुछ पूछते हैं तो लोग आपको नो बोलते हैं, ना बोलते हैं, तो उसका आपको डर है, और फिर दूसरा है कि फेलियर का डर है, वो नो हो जाता है, और फिर कोई लोग ना बोलता है तो मैं फेल हो जाऊंगा और अच्छा दिखेगा नहीं, इसलिए मैं कुछ को कुछ मांगता ही नहीं। देखो, आप किसको कुछ मांगते नहीं हो, फिर वो हेल्प होंगी, सपोर्ट होगा, टीम बिल्डिंग होंगी, आपको लोन मांगने का है, आपको किसको कुछ देने, मतलब किससे कुछ लेने का है, कुछ भी करने का, कोई बिजनेस आइडिया लेने की है, या कोई पार्टनरशिप के लिए किसको ऑफर करने की है, या कोई सपोर्ट मांगने का, जो भी कुछ हो, कोई टेक्नोलॉजी के बारे में मांगना है, कुछ भी आपको लोगों का मांगना है, लोगों को मांगना है, मगर आपने उसको पूछा ही नहीं, तो डेफिनेटली नो है। मगर आप उसको पूछते हो किसी को भी, हो सकता है कि वो हाँ बोलेगा या ना बोलेगा। ना बोलता है तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, हाँ बोलता है तो मिल जाएगा। मगर पहले से अपने दिमाग में आपने डाल दिया कि नहीं वो ना ही बोलेगा, तो आप जब ना बोलेगा दिमाग में ही है, तो फिर तो ना डेफिनेटली होने वाला है। ना वो आपको ना बोल रहा नहीं है, वो आपने जो उसको रिक्वेस्ट किया है, उसको जो आपने एक विनती की हुई है कि मुझे ये चाहिए, वो विनती को, वो रिक्वेस्ट को ना बोल रहा है, आपको नहीं बोल रहा है। मगर आप क्या कहते हैं, उसने मुझे ना बोल दिया, मेरा इंसल्ट हो गया। और एक बार उसने ना बोला इसका मतलब जिंदगी में ना बोला ऐसा नहीं है, एक बार ना बोला मतलब आज ना बोला, एक बार ना बोला और आपने उसको जो मांगा उसको ना बोला, इसका मतलब वो कहाँ बोल सकता है? बिल्कुल बोल सकता है, कल वहाँ बोल सकता है, आपने उसको जो भी मांग लिया उसको कहाँ बोल सकता है। तो ना, नो को कभी डरने का ही नहीं है, नो से कभी मतलब ये देखने का ही नहीं कि नहीं नहीं मुझे नहीं मिलेगा तो मैंने कुछ मांगना नहीं वगैरह। दूसरा ये है कि नो, आपको नो किसने बोला तो आपको फियर ऑफ फेल्यूर जो है कि ना फेल हो गए तो अच्छा दिखता नहीं है, लोग क्या बोलेंगे, मेरा अपमान हो गया, वो फेल हो गए तो मुझे अच्छा लगता नहीं, मैं मेरे नज़र से गिर जाऊँगा, उसके नज़र से गिर जाऊँगा, तो ऐसा कुछ भी बात लाने का नहीं है, कुछ फर्क नहीं पड़ता है। आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो आपको नो सुनने की आदत डालनी पड़ेगी। जितने भी लोग ज़िंदगी में सफल हुए हैं उनके पास में काफ़ी नो का स्टॉक आया हुआ है, और वो नो का स्टॉक उन्हें बाजू में रख के उन्होंने बार 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 कोशिशें की हुई है, बार बार लोगों के पास में गए, और वहाँ जाने के बाद में लोगों को ना बोला, ना सुना है लोगों ने वो सुना है, या फिर लोगों ने हाँ बोला तो सपोर्ट ले लिया है। तो आपको ज़िंदगी में सफल होना है तो नो सुनने की आदत डालनी पड़ेगी, और नो ही सुनने की आदत आप डालते हैं तो डेफिनेटली आपको सक्सेस ही सक्सेस मिलेगा। तो ये आपको सीक्रेट का रहस्य आपको बता रहा हूँ मैं, कि बिल्कुल चिंता नहीं करने का है, नो सुनने की आदत डालने का है, और जो भी आपको चाहिए उसके पीछे लगे रहना है, बिल्कुल लगे रहने का, छोड़ने का नहीं है, विद मैसिव एक्शंस, फोकस और डिसाइड करके। तो ये आपको वीडियो अच्छा लगा तो जरूर शेयर करो, लाइक करो, सब्सक्राइब करो। थैंक यू वेरी मच।